वैसे मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, कुल्लू मनाली से हूँ। मैंने अमृतसर में ये सिड्डू का टेस्ट दिया है लोगों को, और ये वैसे बेसिकली हिमाचल का फूड है। ये बेसिकली आटे का रहता है, आटे का टेस्ट है, और इसके अंदर सारी ड्राई फ्रूट की फीलिंग रहती है, और ये हेल्दी फूड है। देसी घी के साथ ये खाया जाता है। पंजाब के लोग हैं और अमृतसर के लोग हैं, वो जब कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं तो ये भी वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं ये सिड्डू, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अमृतसर में भी ट्राई करते हैं ये। सर, ये इसमें जंक फूड तो कुछ भी नहीं है, ड्राई फ्रूट तो वैसे ही हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, सारा ड्राई फ्रूट डलता है, और ये आटे का रहता है, आटा बेस है, इसलिए हेल्दी फूड है ये। सर्विंग सर इसमें जैसे सिड्डू के साथ देसी घी दिया जाता है, अखरोट की चटनी, और साथ में शेजवान भी दी जाती है। जी नमस्कार सर, वैसे मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, कुल्लू मनाली से हूँ। मैंने अमृतसर में ये सिड्डू का टेस्ट दिया है लोगों को, और ये वैसे बेसिकली हिमाचल का फूड है। जो अमृतसर में लोग रहते हैं हिमाचल के, उनके लिए भी ये टेस्ट है, और जो अमृतसर के लोग हैं वो भी ये फूड टेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली आटे का रहता है, आटे का टेस्ट है, और इसके अंदर सारी ड्राई फ्रूट की फीलिंग रहती है, और ये हेल्दी फूड है। देसी घी के साथ ये खाया जाता है। सर, ये आटे का रहता है, और इसकी जो मेकिंग आती है, सारे अखरोट, खसखस, उड़द की दाल, ड्राई फ्रूट सारा रहता है इसमें। जब ज़्यादा सारा विंटर रहेगा तो विंटर में सारा ड्राई फ्रूट रहेगा, अभी थोड़ा समर है तो हमने बेसिकली इसमें उड़द की दाल हल्की सी मिक्स की है। सर, मुझे कुकिंग का भी शौक़ है, और जैसे यहाँ पे भी हिमाचल के लोग काफ़ी रहते हैं अमृतसर में, उनका भी ये टेस्ट है, हमने कहा उनको भी टेस्ट कराते हैं। और जो पंजाब के लोग हैं और अमृतसर के लोग हैं, वो जब कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं तो ये भी वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं ये सिड्डू, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अमृतसर में भी ट्राई करते हैं ये। सर, इसकी मेकिंग में तो काफ़ी टाइम लगता है, पहले इसका आटा जो है आटे का काम करता है, फिर इसकी मेकिंग ड्राई फ्रूट की बनानी पड़ती है, चटनी अलग से बनानी पड़ती है, सारी मेकिंग है, पर है ये सारा हेल्दी फूड है। जंक फूड तो कुछ भी नहीं है, ड्राई फ्रूट तो वैसे ही हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, सारा ड्राई फ्रूट डलता है, और ये आटे का रहता है, आटा बेस है, इसलिए हेल्दी फूड है ये। सर, मेरा कुकिंग का वैसे ही शौक था, और सिड्डू का मेरा वैसे ही है कि हमारे बेसिकली घर में बनता ही बनता है ये, विंटर में हो, समर हो, विंटर हो, बेसिकली वैसे भी बनता ही है, वहाँ पे सब लोग खाते हैं, इसलिए मुझे आता था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अमृतसर के लोगों को भी ट्राई किया जाए। सर्विंग सर इसमें जैसे सिड्डू के साथ देसी घी दिया जाता है, अखरोट की चटनी, और साथ में शेजवान भी दी जाती है। हाँ जी, तो क्या इसका प्राइस है और लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है सर, बहुत सबको पसंद आया है, सब आते हैं दूर दूर से, कई बटाला से भी आ रहे हैं, जलंधर से भी आ रहे हैं, पठानकोट से भी आ रहे हैं, जो भी वीडियो या कुछ भी देखता है हमें पता चलता है कि हमने आउटलेट यहाँ पे खोला है, तो लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। इसका प्राइस हमने 150 रखा है, और लोकेशन है इसकी रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक में। अभी सर तो वैसे ही शायद जायके का शहर है, यहाँ पे जायका आपको भर भर के जायका मिलेगा, हर गली नुक्कड़ में आपको जायका ही मिलेगा, फिर भी हम अपना हिमाचल का जायका लेके आए हैं। अगर लोगों को ये भी पसंद आता है तो उनके लिए भी हम बहुत थैंक्स है, कि अपील करते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और सिड्डू हमारा टेस्ट करें, और थैंक यू, धन्यवाद है पंजाब के लोगों का।